अस्सलामुअलैकुम सामीन, मेरा नाम आज़िया मुनव्वर है और मैं NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से ज़रा बताना चाहूँगी कश्मीर की तारीख और उसका मौजूदा हालात। कश्मीर की अगर हम बात करें तो बरसगीर पाक व हिंद के शुमाल मगरब में वाक़ एक रियासत है। 1846 में अंग्रेज़ों ने रियासत जम्मू कश्मीर को 75 लाख रुपयों के इवज़ एक डोगरा राजा गुलाब सिंह को फरोख्त कर दिया। डोगरा राजा एक बहुत ही जालिम किस्म का इंसान था। उसने मुसलमानों पर बहुत जुल्म ढाए, ज़बरदस्ती उनको कैद रखा, उनसे मुशक्क़तें करवाई और इसके मुसलमान जो है उसके मजालिम से बहुत ज़्यादा तंग आए हुए थे। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद होने लगा, जब बरसगीर की तकसीम होने लगी, तो उस वक्त ये तय हुआ था कि ये जो आज़ाद रियासतें हैं ये दोनों में से किसी भी एक मुल्क के साथ शामिल इलाहाक कर लेंगी और उसका फ़ैसला आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक किया जाएगा। लेकिन कश्मीर के राजा ने उस वक्त ये फ़ैसला अल्तवा में डाल दिया और बाद में भारत के साथ शामिल होने का फ़ैसला किया, जिसको वहाँ के आवाम मुसलमान जो थे उन्होंने कबूल नहीं किया और राजा के ख़िलाफ़ बगावत का अलम बुलंद किया और कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करा लिया, जो आज पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के नाम से मुंसलिक है। जबकि कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज मकबूज़ा कश्मीर के नाम से भारत के तसल्लुत में है। उसकी वजह यह है कि जब जंग शुरू हुई तो भारत के वज़ीर आज़म नेहरू ने देखा कि हालात उसके काबू से निकलते जा रहे हैं, तो उसने सलामती कौंसिल का रुख किया। सलामती कौंसिल ने मुदाखलत की और जंग बंदी हो गई और उसने ये माहिदा किया था कि कश्मीर में इससे स्वाबे राय के ज़रिए उसके मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाएगा। नेहरू ने उस वक्त इस फैसले को तस्लीम किया लेकिन बाद में वादे से मुकर गया और यूँ ये फैसला आज तक लटका हुआ है। मज़ीद जुल्म ये कि उन्होंने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को भी ख़त्म कर दिया, जिसके तहत आज़ाद मकबूज़ा जम्मू कश्मीर की मखसूस हैसियत उनसे छीन ली गई। ये कश्मीरियों के ऊपर होते मजालिम में एक और इजाफा था। कश्मीरियों के ऊपर अगर मजालिम की बात करें तो वहाँ के मर्दों को कैद किया जाता है, जदोकोब किया जाता है बग़ैर किसी कसूर के, बग़ैर किसी जुर्म के कत्ल वारत की जाती है। वहाँ की ख़वातीन की इज़्ज़तें पामाल की जाती हैं, बिला वजह कर्फ्यू नाफिज़ कर दिया जाता है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और अबतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कश्मीर तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर, कश्मीर तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर, आंसू है तेरी आँख में पैरों में है जंजीर, ए वादिये कश्मीर, ए वादिये कश्मीर। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान ने इस सिलसिले में क्या किया है, तो अगर हम बात करें तो अभी कुछ अर्सा पहले सिक्योरिटी कौंसिल में हमारे वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में आवाज़ बुलंद की और दोबारा से एक मसला है कश्मीर जो कि तकरीबन निसफ सदी से दबा हुआ था, उसको दोबारा से उजागर किया और अक़वाम मुत्तहिदा को ये बात बावर कराई कि अगर ये मसला हल ना हुआ तो दिल्ली और पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ सकती है, जिसका ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया पे गहरा असर पड़ेगा। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि इस फैसले मामले को संजीदा ले और इस मसले को हल करने के लिए काम करें। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द कश्मीर आज़ाद हो जाएगा और उन पर मजालिम ख़त्म हो जाएंगे और पाकिस्तान इस सिलसिले में भरपूर कोशिश कर रहा है और पाकिस्तानी आवाम हर हाल में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। और हम हर फोरम पे, दुनिया के हर मुकाम पे अपनी आवाज़ कश्मीरियों के हक़ में उठाते रहेंगे, उनको झंझोड़ते रहेंगे और जगाते रहेंगे कि कश्मीरियों का मामला हल होना अभी बाकी है। मेरा उनको पैगाम है कि ऐ दुनिया के मुनसिफों, सलामती के ज़ामिनों, ऐ दुनिया के मुनसिफों, सलामती के ज़ामिनों, कश्मीर की जलती वादी में बहते हुए खून का शोर सुनो।